हैदरगढ़ बाराबंकी के पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाजपा प्रत्याशी दिनेश रावत के समर्थन में हुए आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं हैदरगढ़ वासियों ने किया बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत। जी हां, जिनके आवभगत को देखकर सिंह ने गदगद भाव से स्वीकार किया अभिवादन और कहा कि लंबे अरसे के बाद आज फिर आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। हैदरगढ़ की माताओं बहनों और भाइयों का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला एवं हैदरगढ़ वासियों से पूछा, हमारे कार्यकाल में बनवाई गई सड़कें बढ़िया हैं या नहीं? यदि कमी आई हो तो हमें बताएं, हम मुख्यमंत्री से कह करके एक साल के अंदर पुनः बनवा देंगे। इसी के साथ साथ जहां प्रदेश की योगी सरकार पत्रकारों हेतु सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने की बात करती है, वहीं हैदरगढ़ तहसील प्रशासन द्वारा खबर कवरेज करने हेतु मीडिया कर्मियों को इधर उधर पब्लिक के बीच धक्का मुक्की करके बड़ी मशक्कत के साथ कवरेज करने, जिसके कारण यहाँ पर सम्मान की जिंदगी जी नहीं पाते थे, जो अन्य सुविधाएं उन्होंने प्राप्त नहीं हो पाई। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, संसद में बहुमत मिलेगा, हम नागरिकता का कानून पास करेंगे, जो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से अल्पसंख्यक भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे उन्हें हम भारत का नागरिक बनाएंगे। बहनों भाइयों, इसे भी हमने करके दिखाया, यानी जो कहा था वह करके दिखाया। हम लोगों ने किसी भी सूरत में विश्वास का संकट नहीं पैदा हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2014 मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसी समय आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में इस देश में चुनावी मैदान में, और मोदी जी ने उस समय जो कुछ दिया, हम लोगों ने जो उस समय कहा, सरकार बनने के बाद बहनों भाइयों हम शर्त का पालन हम करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजाद भारत में क्या कभी आपने कल्पना किया कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो इस बात की चिंता करेगा? गरीब घर के माताओं बहनों की भी इज्जत होती है, सम्मान हो, उन्हें बाहर न जाना पड़े, इसलिए शौचालय की व्यवस्था हर घर घर में होनी चाहिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इतना ही, गरीब परिवारों की